गुलबर्गा शहर में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल और मरकजी सीरत कमेटी की जानिब से डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल की सदारत में हुस्न किरात, हदीस, नात, स्पीच, एसे और क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर तुलबा और तालिबात में दीनी शौक पैदा करने का एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया गया है। पिछले 3 सालों से डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल जलसा रहमतुल्लिल आलमीन ऑर्गेनाइज कर क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले तुलबा तालिबात में इनामत तकसीम कर रहे हैं। इस साल 2000 के करीब तुलबा तालिबात ने कंपटीशन में हिस्सा लेकर अपने अंदर दीनी बेदारी पैदा होने का सबूत दिया है। डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल की मेहनत और काविशों को देख मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल और जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मौलाना अब्दुल्ला हाकिम ओगैसी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, मौलाना अब्दुल अलीम खासमी वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, मौलाना अनीसुर रहमान खासमी वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, डॉक्टर मंजूर आलम जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, मौलाना शाह मुस्तफा रिफाई जिलानी असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल और तकद्दस माब शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनेदी अलमारूफ सिराज बाबा साहेब खिबला सज्जादा नशी बारगाह शेख के डकैन इन तमाम लोगों ने डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल की मेहनत और सीरत नबी के लिए लगातार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता देख हौसला अफजाई की है। इन तमाम लोगों ने डॉक्टर असगर चुलबुल के लिए मजीद क्या कहा जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाले हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। हिंदुस्तान के बहुत बड़े सूफी और दाई इस्लाम से नस्बत है ख्वाजा गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह, उनके शहर में वहाँ की एक फ़ाल दीनी और समाजी शख्सियत हमारे दोस्त मोहतरम जनाब चुंबुल साहब ने वहाँ मुसाबका का प्रोग्राम रखा और तकरीबन 2000 तलबा और तालिबात ने उसमें शिरकत की। मैं खुद वहाँ हाजिर नहीं हो सका लेकिन मेरी तरफ से हैदराबाद से मौलाना उमर अब्दीन कासमी मदनी वहाँ गए और मैंने उनके जरिए प्रोग्राम की तफसीलात सुनी और जो लोग उसमें शरीक हुए बहुत मुतासिर हुए, हम भी गायबाना मुतासिर हुए। मैं इस प्रोग्राम के इनका पर जनाब सुमन साहब को मुकाबला में शरीक होने वाले नौजवान बच्चों और बच्चियों को और इसके जिम्मेदार गुलबर्गा के गैरतमंद और बाशऊर मुसलमानों को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। मैं सबसे पहले हमारे सदर साहब असगर अहमद चुलबुल साहब को माजरत खा हूँ क्योंकि मैं भी उस जलसे के लिए वक्त दिया था लेकिन मेरी फ़्लाइट देर से होने की वजह से मैं हाजिर ना आ सका। ये अजीमुशान जो जलसा हुआ तकसीम इनामत का, इसमें जो है सरकार दो जहां सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और कुरान शरीफ की खिरत, नात, ये तमाम चीज़ें शामिल रही। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2000 के करीब तुलबा ने इसमें हिस्सा लिया और तकरीबन 1800 तुलबा को जो है इनामात से नवाजा गया जिसमें रकम के तौर पर 5000, 3000, 2000, 1000 रुपये दिए गए और माँ बाकी तुलबा को भी दूसरे कुरान शरीफ और मुख्तलिफ तोहफे उन्हें दिए गए ताकि किसी किस्म की उन्हें मतलब हिस्सा लेने के बाद आगे भी शौक़ उनका बढ़े। तो ये काम जो है सरकार दो जहां सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आगाही के लिए, सीरत पढ़ने के लिए तुलबा को शौक़ दिलाने के लिए मोहतरम जनाब असगर अहमद चुलबुल साहब की एक कोशिश काविश है। तकरीबन ये काविश 3 साल से चल रही है। हमारे डॉक्टर असगर अली चुलबुल ने जो माजी के अंदर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल और सभी जमातों के सज्जादा नशीन और बुजुर्ग
और अहम शख्सियतों को जमा करके एक बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है। हमें अपने बच्चों की तरबियत के लिए ये प्रोग्राम डॉक्टर चुलबुल की तरह और पूरे मुल्क के अंदर भी इस तरीके पर उनकी मिसाल सामने रखकर मुल्क में फैलाना चाहिए। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की जानिब से ये अहम तरीन प्रोग्राम, इस पर मैं डॉक्टर चुलबुल साहब को और वहां गुलबर्गा के सभी हजरात को और जुम्मेदारान को और तमाम उन जमातों को जो हमारी आवाज पर लबैक कहते हुए तशरीफ लाए, मैं उनको दिल की मुबारकबाद और गहराइयों से सलाम भी करता हूं और दुआ भी करता हूं। गुलबर्गा में ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल बाइश्तराक मरकजी सीरत कमेटी जिला गुलबर्गा के जेर एहतमाम व इंतजाम, अभी 8 जनवरी को रहमतुल्ला लिल आलमीन के मुबारक जलसे में बच्चों और बच्चियों ने हिस्सा लिया और कामयाब हुए। ये एक अनोखा जलसा था, जैसे तकदीम इनाम उसकी गर्जो गायत ये थी कि तलबा और तालिबात ने दीनी अशगाल दीनी कामों का शौक हो और उस सिलसिले में वो मुताला भी करें इस्लामी लिटरेचर का। आज दीन से लोगों की बेरहमती बढ़ती जा रही है, बच्चे मोबाइल की वजह से पढ़ने के लिए सुस्ती कर रहे हैं, स्कूल जाने के लिए सुस्ती कर रहे हैं और दीन से जरा दूरी होती चली जा रही है। इसमें सीरत कमेटी ने और मिल्ली कौंसिल ने मिलकर जो प्रोग्राम मुनाकिद किया, हमारे अजल चुलबुल साहब ने जो बढ़ चढ़ कर काम किया, वाकई मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। तमाम एक बच्चे को नहीं, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वालों को नहीं, बल्कि 4 स्पेशल इनामात के साथ साथ जितने यानी तकरीबन 1800 बच्चे दूसरे जो शामिल हुए थे उनको भी उन्होंने माशाल्लाह इनामात से नवाजा, सनद दी और कई किस्म के इनामात उनको तकसीम किए। ये बहुत बड़ी बात है और इससे क्या होगा कि बच्चों में यानी दीनियात के हासिल करने के लिए, सीरत तैयबा से मोहब्बत करने के लिए, इस्लाम को सही समझने के लिए बहुत अच्छा उनको मौका मिलेगा और इंशाल्लाह आगे जाकर ये बच्चे जो हैं इस्लाम के लिए सिपाही बनेंगे, दाई बनेंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेंगे। चुलबुल साहब को दोबारा और उनकी कमेटी को दोबारा मैं मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह इनको कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इनके मसाइल को अब यानी कबूल फरमाए। गुलबर्गा की ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल और मरकजी सीरत कमेटी के जिम्मेदार खास तौर पर डॉक्टर असलम चुलबुल साहब ने जो तलबा और तालिबात की सीरत का इनामी मुकाबला कराया, ये बेनज़ीर था और इतनी बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात का इसमें शरीक होना जो जैसा कि नज़र आ रहा है कि 2000 की तादाद में शरीक हुए और न सिर्फ ये कि उन्होंने उसमें सीरत का मुकाबला था बल्कि पुरानी में सूरतों का भी और नात का भी और तहरीरी और तकरीरी सीरत के मज़ामीन का भी, ये एक अहादीस का भी, तो ये एक बहुत ही अच्छा सिलसिला है और मैं इस पर मुबारकबाद देता हूँ उन तमाम तलबा और तालिबात को जिनकी तादाद 40 खसूसी थी मुख्तलिफ सेशन के, जिनको खसूसी इनाम दिए हुए और उन तमाम तलबा और तालिबात जो बाकी 1800 से ज़ायद के हैं जो शरीक हुए। और ये ख़ास बात यह है कि डॉक्टर असलम चुलबुल साहब की तरफ से खसूसी इनाम के अलावा सारे शुरका को कुछ न कुछ इनाम दिया गया।
जी जनाब चुलबुल साहब, आपको और तमाम आपके बच्चे और बच्चियों और जो प्रोग्राम सब कर रहे हैं उन तमाम लोगों को बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद दे रहा हूँ और इस काम को और शोर से बढ़ाए, चूँकि क़ुरान की हिफाजत, क़ुरान को बढ़ाना, क़ुरान पे अमल करना, क़ुरान को ज़िंदगी से जोड़ना हम तमाम मुसलमानों का बिलखसूस हिस्सा है और बिलूम ये भी कि हम ये दीन किसी पर मुसलमान के घराने में पैदा होने के लिए नहीं है बल्कि ये दीन तमाम इंसानों के लिए है। इसलिए जो आप कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, अल्लाह कबूल फरमाए, आपको भी ज़ाती तौर से बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला मुबारक करे और उन बच्चे बच्चों को जिनको आपने इनामात दिए हैं उन्हें भी बहुत ही मुबारक हो।